नमस्कार साथियों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एचिवर्स वेब के इस डेली करेंट अफेयर्स के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज है 21 जून और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके दोस्तों, सदैव योग कीजिए और सदैव निरोग रहिए। जो भी होगा योगा से ही होगा। ओके, चलिए तो हम लोग आज के करेंट अफेयर्स के सेशन को देखते हैं। उसमें आपको करेंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ साथ कंट्री ऑफ द डे भी मिलता है, जिसमें हम लोग साउथ अफ्रीका के देशों को कर रहे हैं। एक दो देश और बचे हैं, उसके बाद साउथ अफ्रीका का काम खल्लास हो जाएगा। ओके दोस्तों, एक रिक्वेस्ट उन लोगों से जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैप ऑफ द डे के साथ। देखते हैं कि आज हमें कौन से कंट्री को करना है। तो आज का जो कंट्री है बोलीविया है। ओके, बोलीविया आप लोग देख सकते हैं पहली नंबर बात कि ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, तो जी हाँ, सबसे पहला बात यही याद आपको रखना है क्या, कि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री ये है। कौन? बोलीविया। मात्र दो ही लैंडलॉक कंट्री है, एक बोलीविया है, एक पराग्वे है, और जिसमें सबसे बड़ी है बोलीविया। ओके, यदि बोलीविया की बात हम लोग कर ले कि ये सीमा किससे किससे साझा करता है, तो आपको दिख रहा होगा कि नीचे में चिली, उसके बाद फिर अर्जेंटीना, फिर पराग्वे, फिर ब्राज़ील और फिर पेरू। मतलब इन पाँच देशों से ये अपनी सीमा साझा करता है। ओके, और बाकी ये जो आपको लेक दिख रहा होगा, चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ये आपका जूम मैप है, इसमें आपको आसानी से दिखेगा। सबसे पहले तो बोलीविया की राजधानी की बात कर लीजिए, कि बोलीविया की राजधानी जो है लापाज है, और इसकी खासियत ये है कि ये विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। ठीक है, मतलब सबसे ऊँचाई पर स्थित राजधानी है। कौन? लापाज। ओके, एक और आपको दिख रहा होगा शहर, जिसका नाम है सुक्रे, और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि ये बोलीविया की न्यायिक राजधानी है। ओके, जुडिशियल कैपिटल। ठीक है, तो इतनी सी बात हुई। एक दो बात और, लेक टिटिकाका तो आपको दिख ही रहा होगा, पेरू और बोलीविया के सीमा पर है। और ये किस लिए फेमस था? मैंने आपको बताया था कि इसे हनीमून लेक कहते हैं, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। ओके, और लास्ट पॉइंट बोलीविया के बारे में हम लोग जानेंगे क्या, कि ग्रैंड चाओ का घास का मैदान जो है ये इसी रेंज में फैला हुआ है। ठीक है, ग्रैंड चाओ। ओके, ध्यान रखना है इन सारी बातों को। ठीक है, अब हम लोग चलिए इसके पॉलिटिकल बात को जान लेते हैं। पॉलिटिकल बात क्या है? कैपिटल्स अभी मैंने आप लोगों को बताया, लापाज और सुक्रे दोनों है। प्रेसिडेंट लुइस आर के, करेंसी बोलीवियानो है। प्रेसिडेंट तो हो ही गया, वाइस प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? तो डेविस चिकुहुनाका। ओके, ये वाइस प्रेसिडेंट है। लेजिस्लेचर प्रोनेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली है। अपर हाउस को चैम्बर ऑफ सीनेटर्स और लोअर हाउस को चैम्बर ऑफ डिप्टीज बोलते हैं। ओके, तो ये था हमारा बोलीविया, जिसके बारे में हम लोग आज सारी बात को जान लिए हैं। अब आइए शुरू करते हैं अपने करेंट अफेयर्स के सेशन को। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और जिन्हें भी आपको शेयर करना होगा आप लोगों ने अवश्य शेयर कर दिया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। ये हमारे सामने पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो दोस्तों, आज ही के दिन मतलब कि 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, इस वर्ष की योगा दिवस की जो थीम है, योगा फॉर वेलनेस है। ओके, ध्यान रखिएगा, योगा फॉर वेलनेस। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं। चलिए पहले प्रश्न में ही आपसे भी पहला प्रश्न पूछा यह जा रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। यह आप लोग कमेंट करके हमें जवाब दीजिएगा, तब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ कि हाल ही में किस देश ने 2022 के चुनाव से पहले एलजीबीटी विरोधी कानून पारित किया है? विच कंट्री रिसेंटली पास्ड एंटी एलजीबीटी लॉ बिफोर द 2022 इलेक्शंस? आपके ऑप्शन से हंगरी, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और रूस। तो हंगरी ने दोस्तों 2022 में होने वाले चुनावों से पहले एलजीबीटी विरोधी कानून पारित किया है। लेकिन आपको पता है कि अब एलजीबीटी को भारत में मान्यता मिल गई है। आर्टिकल 377 के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जो किससे रिलेटेड है? एलजीबीटी। ओके, चलिए इसके बारे में और ज़्यादा कुछ बात तो है नहीं, इससे इसका और आलोचना ही होगा, फिर इसको बंद कर दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पैंडेमिक्स योजना की घोषणा की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पैंडेमिक्स स्कीम? ऑप्शंस आपके हैं रूस, चीन, अमेरिका और फ्रांस। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? अमेरिका। अमेरिका द्वारा एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पैंडेमिक्स नामक योजना की घोषणा की गई है,
जिसमें जो भी वायरस के कारण रोग होंगे या पेंडेमिक महामारी आता है तो उसके रिगार्डिंगली उसमें योजना जारी किया गया है। ओके, बाकी क्या क्या लिखी हुई बातें आप लोग आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। $1 बिलियन टू सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ कोलाबरेटिव ड्रग डिस्कवरी ग्रुप्स कॉल्ड एंटीवायरल ड्रग डिस्कवरी, मतलब कि एंटीवायरल यदि कोई पेंडेमिक आता है, वायरल पेंडेमिक आता है, तो उसको रोकने के लिए एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पेंडेमिक्स की घोषणा की गई है। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी बातें नीचे आपको दी ही हुई है कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थानों को COVID-19 और अन्य महामारी जोखिमों के लिए एंटीवायरल पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा। ठीक है, अमेरिका द्वारा एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पैंडेमिक्स शुरू की गई है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न थोड़ा सा चर्चा में है इसलिए इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अफोर्डेबल केयर एक्ट ACA जो हाल ही में चर्चा में रहा किस देश का कानून है। द अफोर्डेबल केयर एक्ट विच हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द लॉ ऑफ दिस कंट्री। दोस्तों अमेरिका का ये कानून है जिसका नाम है अफोर्डेबल केयर एक्ट। ये क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बातों को जानिए कि अफोर्डेबल केयर एक्ट क्या है। तो यह एक अमेरिका का संघीय कानून है जिसे 111वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। अमेरिका के संसद को कांग्रेस बोलते हैं। ओके, 23 मार्च 2010 को राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा इस कानून पर हस्ताक्षर किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस अधिनियम की चुनौती को खारिज कर दिया है जिससे लाखों लोगों के लिए बीमा कवरेज की बचत हुई है। ओके, तो ये बराक ओबामा के समय का ही एक नियम कानून था, इसलिए अभी चूंकि इसको सुप्रीम कोर्ट वहाँ का खारिज कर दिया इस चुनौती को, इसलिए न्यूज़ में है। ध्यान रखिएगा कि अफोर्डेबल केयर एक्ट जो है वो किस कंट्री का है, तो अमेरिका का है। और क्यों न्यूज़ में है ये तो आपको पता चल ही गया। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दुख की बात हुई कि हम लोगों ने लीजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन मिल्खा सिंह को खो दिया। 4 दिन पहले ये अपनी पत्नी को खो चुके थे और फिर 4 दिनों बाद इनकी भी मृत्यु हो गई कोरोना के कारण। ओके, आइए इनके बारे में कुछ बातों को जानते हैं। हाल ही में मिल्खा सिंह का 91 वर्ष के उम्र में निधन हो गया है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इनके बारे में सत्य है। मिल्खा सिंह पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 91। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट हिम। देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या है। इन्हें फ्लाइंग सिख उपनाम दिया गया था, ये तो एकदम 100% करेक्ट बात है। फिर है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले हुए पहले भारतीय थे, एकदम सही बात है 400 मीटर वाले रेस में। ओके, फिर है कि उन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था, एकदम सही बात है। 1958 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था जिसमें वो गोल्ड मेडल जीते, फिर 1958 में ही एशियाई पदक में 200 मीटर और 400 मीटर दोनों रेस में गोल्ड मेडल जीते। ओके, फिर 1962 में भी गोल्ड मेडल जीते। अपने करियर के दौरान उन्होंने करीब 75 रेसें जीती, ये बात भी सही है। फिर है कि खेलों में उनके अतुल योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के 4th सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया था, ये बात भी सही है। 1959 में इन्हें पद्मश्री मिल गया था, हालांकि 2001 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित करने की घोषणा की गई, लेकिन इन्होंने अर्जुन अवार्ड लेने से मना कर दिया। ओके, इनके बारे में एक बात और जानिएगा दोस्तों, आपको पता होगा भाग मिल्खा भाग नाम का एक फिल्म इन पर बना हुआ है। उस फिल्म ने करोड़ों कमाए, बहुत ही ज़्यादा रुपया, मतलब बहुत सक्सेसफुल मूवी रहा, करोड़ों कमाए, लेकिन मिल्खा सिंह उसके लिए मात्र 1 रुपया लिए थे। ओके, उसके डायरेक्टर से ओनली 1 रुपया लिए थे, काफ़ी दिलदार आदमी थे। चलिए अभी इन्हें अलविदा कहने का वक्त आ गया है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। कमेंट में रेस्ट इन पीस जरूर लिखिएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय कलाकार को 9वें आर्टिस्ट मुंडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विच इंडियन आर्टिस्ट है रिसेंटली बीन अवार्डेड द 9th आर्टिस्ट मुंडी अवार्ड। आपके ऑप्शंस है मेघा राजगोपालन, श्यामा नारायण, सावित्री पाटिल और प्रभाकर पाचपुते। तो दोस्तों 9वें मतलब आर्टिस्ट मुंडी पुरस्कार का ये 9वां एडिशन था जिसके विजेता प्रभाकर पाचपुते जी बने हैं। और आपको ये समझ में आ रहा होगा फोटो देखकर प्रभाकर पाचपुते का, ये जो अवार्ड है आर्टिस्ट मुंडी पुरस्कार, ये आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र से रिलेटेड है। ओके, खासकर पेंटिंग के क्षेत्र से आपको दिख रहा होगा कि पेंटिंग के क्षेत्र से रिलेटेड है। ओके, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ नई बातें करनी है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, बहुत सारे प्रश्न में देखना है कि कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की 4थी बल्लेबाज बन गई है। विच फीमेल प्लेयर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड द 4th बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू स्कोर हाफ सेंचुरीज इन बोथ इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच। दोस्तों भारतीय महिला टीम करीब 7 सालों बाद टेस्ट मैच खेल रही थी, एकदम हार के कगार पर टीम खड़ी हुई थी, लेकिन शेफाली वर्मा की अर्धशतक और साथ ही साथ टेरेंडर्स स्नेह राणा और एक और नाम मुझे उनका याद नहीं है, उन दोनों की पारियों ने इंडिया को बचा लिया और मैच ड्रॉ हो गया। काफ़ी शानदार पारी खेली दोनों ने। ओके, और शेफाली वर्मा भी काफ़ी शानदार पारी खेले पहले इनिंग में भी और दोनों इनिंग में, सेकेंड इनिंग में भी, इसलिए इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला।
ओके, ध्यान रखिएगा शेफाली वर्मा जो है चौथी खेल बल्लेबाज बन गई है पूरे विश्व में टेस्ट मैच के दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली और भारत की पहली। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और आप लोगों को जैसा पता ही होगा कि अभी इंटरेस्टिंग मोड पर है हमारा खड़ा हुआ टेस्ट चैंपियनशिप, जो वर्ल्ड फाइनल चल रहा है। ओके, खैर छोड़िए उन सारी बातों को, उसके बारे में जो रिजल्ट आएगा आपको पता चलेगा ही। फिलहाल अगले प्रश्न को देखते चलते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है। कनाडा प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैज नॉमिनेटेड विच फर्स्ट ब्लैक पर्सन एंड इंडियन ओरिजिन एज ए जज इन द कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट। आपके ऑप्शन है महमूद जमाल, सरला विद्यानगाला, नागराज अडिगा और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? महमूद जमाल। ठीक है, महमूद जमाल जो है कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत जज हैं। ओके, और इम्पोर्टेंट आपके लिए इसलिए ये है कि ये भारतवंशी है, मतलब मूल रूप से भारत के हैं। और मूल रूप से भारत का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि उनके पिताश्री के पिताश्री, दादाजी या दादी जी कोई भारत के रह चुके हों। ओके, खासकर पिताजी ही, पिताजी या दादाजी में कोई भारत के रह चुके हों तो वो होता है कि मूल रूप से वो भारत के हैं। ओके, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या है कि हाल ही में प्रसिद्ध जम्मू स्थित इस्लामी विद्यालय का निधन हो गया है, जिन्होंने पहली बार कुरान का गोजरी भाषा में अनुवाद किया, उनका नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस जम्मू बेस्ड इस्लामिक स्कॉलर हु हैज ट्रांसलेटेड द कुरान इनटू गोजरी लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली। अरे गोजरी भाषा का मतलब जिसे आप लोग गुर्जरी बोलते हैं वही भाषा। ओके, तो मुफ्ती फैज उल वाहिद इनका नाम था, इन्होंने क्या किया? कुरान का गोजरी भाषा में अनुवाद किया। ओके, और गर्जरी, गुजरी या गोजरी जो भाषा है इसके बारे में जानिए कि ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गुर्जरा और अन्य जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली इंडो आर्यन की एक किस्म है। ओके, यह भाषा जो है मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में बोली जाती है। ओके, तो उन भाई बहनों को, गोजरी बोलने वाले भाई बहनों को कुरान पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए मुफ्ती फैज उल वाहिद साहब ने इसका गोजरी भाषा में अनुवाद किया था। ओके, अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपके लिए है, निम्नलिखित में से किसे ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। आपके ऑप्शन है हसन रूहानी, अमीर हुसैन, इब्राहिम रायसी और अब्दुल नासर हेम्मती। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, आपको फोटो में दिखाए गए जो प्रश्न मानुष है इनका नाम है इब्राहिम रायसी। ओके, तो इब्राहिम रायसी जी को ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ओके, और ईरान हमेशा न्यूज में रहता है, इसलिए इसके लिए आपको सारी बातें जानना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान के द्वारा जीता गया है। यह एक अनूठी अवधारणा है जो एक पेड़ को एक परिवार से जोड़ती है, जिससे यह एक हरा परिवार का सदस्य बन जाता है। दोस्तों फैमिलियल फॉरेस्ट्री, ठीक है, यह लैंड फॉर लाइफ नाम के अवार्ड से सम्मानित किया गया इसे। इसका एक अवधारणा ये है कि यह एक पेड़ और परिवार को जोड़ती है। कहने का मतलब है कि ये जो पेड़ है उस फैमिली का सदस्य बन जाता है जिस फैमिली में जाता है। ठीक है, तो इसे लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा मिलता है। और ये थीम ऑफ द 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड्स, इस वर्ष की थीम क्या थी? स्वस्थ भूमि और स्वस्थ जीवन। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, इसमें और कुछ बात तो है नहीं खास। अगला प्रश्न आपके लिए है कि देश के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग अवेयरनेस कैंपेन वाज लॉन्च्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कोरोना वैक्सीनेशन इन रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। दोस्तों जान है तो जहान है नामक एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। किस लिए भाई? क्योंकि कोरोना टीकाकरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हो। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गाँवों में, जिन्हें कम नॉलेज के कारण, अफवाहों के कारण वैक्सीन लेने में डर लग रहा है। बहुत सारे का ये अफवाह है कि भाई वैक्सीन लेंगे तो हमारी मौत भी हो सकती है। तो इन सारी अफवाहों को दूर करने के लिए, उन्हें टीकाकरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जान है तो जहान है नामक एक अभियान शुरू किया गया है। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर। प्रीवियस डे का क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितनी खराब भूमि को बहाल करना है? अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया एम्स टू रिस्टोर हाउ मच डिग्रेडेड लैंड बाई द ईयर 2030। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, 26 मिलियन हेक्टेयर इस प्रश्न का सही उत्तर था। ओके, तो मोदी जी ने बताया कि 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन को हम खेती योग्य बना देंगे, जो कि वर्तमान में खेती योग्य नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न फिर से आपके लिए है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है?
व्हेन इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड? आपके ऑप्शंस है 20 जून, 19 जून, 21 जून और 18 जून। जल्दी से आप अपना जवाब कमेंट में करके दीजिए। ओके दोस्तों, तो सेशन के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। इट्स शिवम साइनिंग ऑफ। जय हिंद।